आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी जब आपकी, तो उसके बाद बेटर क्या है, आपको क्या करो, आप उसके बाद एमटेक करो, एमबीए करो या कोई जॉब करो, क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीटेक के होने के बाद? और अभी आपको ऐसे भी हाल ही में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से 21 डेज तक लॉकडाउन है सब, मतलब पूरा नेशन, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए कि आप गैप ना आ जाए आपकी स्टडी में, आप पीछे नहीं रह जाओ किसी चीज में, तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं, क्या चीजें आप घर बैठ के कर सकते हो? और ये चीज मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है एमटेक का, मतलब कहीं कब बहुत सारे लोग आपको पूछते भी होंगे कि हमारी बीटेक हो चुकी है हमें क्या करना चाहिए, जहाँ खुद अभी आप इंजीनियर हो आपकी बीटेक कंप्लीट हो गई है तो आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मास्टर इन टेक्नोलॉजी मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको टीचिंग को लाइन में जाना है या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में सोचा आपको फिक्सर होना है या खुद खोल रहा है, तो एमटेक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हो एमटेक अच्छा रहेगा, या स्ट्रक्चर में, या आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये अच्छा अभी इस टाइम अच्छा है अगर आप स्ट्रक्चर या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट चुने, क्योंकि इसका आगे स्कोप काफी ज्यादा है। ये होगी एमटेक की बात, और इसमें आपको ज्यादा फीस भी नहीं लगेगी, 20,000 से 40,000 पर सेमेस्टर आपको मिल जाएगा, 2 साल का आपका कोर्स रहेगा, और कंप्लीट होने के बाद गारंटी आपकी 3 से 10 लाख तक का पर एनम पैकेज हो सकता है आपका उधर से ही, कॉलेज से ही, अगर आपका अच्छा कोई कॉलेज है तो एमटेक आप चूज कर सकते हो। दूसरा एमबीए भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको मैनेजमेंट लाइन में जाना है, मतलब ये सोचा कि फील्ड जॉब वगैरह नहीं करनी है, तो एमबीए एक बेस्ट ऑप्शन है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आप कर सकते हो। इसके बाद आपको एचआर वगैरह में हो जाएगा और आप इसमें प्रोडक्शन में भी जा सकते हो एमबीए करके, मतलब काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑफिस जॉब के, और इसमें आपका पैकेज भी काफी ज्यादा होगा, 2 साल का ये भी रहता है इसका जो कोर्स रहता है, और इसमें थोड़ी फीस ज्यादा रहती है, 40,000 से 60,000 पर सेमेस्टर आपको देनी पड़ेगी अगर कोई आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। ये हो गया, फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो मैनेजमेंट में डिप्लोमा रहता है हमारा, तो वो 1 से 6 साल का होता है, वो आप पे डिपेंड, आप पूरा डिप्लोमा कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो, तो अगर आप प्लानिंग वगैरह में करते हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये ऑफिस जॉब में प्रॉपर है, क्योंकि मेरी जो पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो जॉब्स रहती है ऑफिस जॉब उसमें जाना चाहिए कि फील्ड जॉब में, अगर आप एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्लानिंग में करते हो तो उसमें आप बिलिंग एस्टिमेशन वगैरह में जा सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा चांसेस है आपके करियर को ग्रो करने के, मतलब ये 3 ऑप्शन बेसिक रहते हैं, बाकी तो आपको पता है। मैं पर्सनली मेरी वीडियो आई करियर ऑप्शन आफ्टर बीटेक, जिसमें मैंने बताया कि कौन सा बेस्ट बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ पैसा नहीं लगेगा उसके लिए, जो बिजनेस आपको कभी किसी ने सजेस्ट नहीं किए होंगे वो बिजनेस की मैंने बात की है, सिंपल से 4 बिजनेस है, वो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा कि हम क्या करें बीटेक के बाद, मतलब एक तो एमटेक का ऑप्शन हो गया, दूसरा एमबीए का ऑप्शन हो गया, तीसरा एमएस का ऑप्शन है, एमएस में नहीं सजेस्ट करूंगा मैं, एमटेक और एमबीए दो कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये 3 चीजें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एजुकेशन लाइन में जाना है, अगर आपको बिजनेस की लाइन में जाना है तो आप वीडियो देख सकते हो वो जो मैंने पहले बताई, और अगर आपको जाना है जॉब में कि आप मतलब प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब मिलना काफी चांसेस कम हो गया, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और जो क्वांटिटी है इंजीनियर की वो काफी ज्यादा हो गई है, तो इस चक्कर में आपको टाइम लग सकता है, वो टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कहाँ कंज्यूम कर सकते हो, आप जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट होती है तो आप कोई कोर्स पकड़ लो, मतलब क्योंकि अभी 1-2 कंपनी बाद में सजेस्ट भी करता हूँ, मैं इसको कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा उस चीज की, लेकिन मैं एक आपको लाइन दे रहा हूँ कि आप वहाँ ट्राई कर सकते हो ना, कुछ मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि ई कंस्ट्रक्शन बिल्ड कौन है, तो पहले और यहाँ खड़े हो जाओ, वो फैमिली नॉलेज देगी, एक दिल्ली में भी है
आपको जो मतलब सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्योंकि जैसे अभी बीटेक कंप्लीट हो गया, आप किसी लाइन में जाओगे, ज्वाइन करोगे किसी कंपनी को, तो आपको जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो आने चाहिए, और वो आप अभी 21 दिन में घर बैठे सीख सकते हो, क्योंकि आपके पास सुबह से शाम तक कुछ नहीं होगा। अगर आप 2-3 घंटे निकालते हो तो उसमें जो मैं सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा बेसिक, वो आपको आने चाहिए। तो एक तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप अवेलेबल है, तो आप इजीली घर पे बैठ के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख सकते हो। दूसरा हो गया एक्सेल, ये दो सॉफ्टवेयर आपको आने आने चाहिए जब भी आप साइट पे जाओगे, ठीक है। फिर आ गया हमारा जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर हो गया, ऑटोकैड सिविल 3D हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, स्टैंड प्रो हो गया, सिविल डिजाइनिंग, ई टैब वगैरह, ये बेसिक सॉफ्टवेयर आप अभी घर बैठे सीख सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है इनके कीज, तो मतलब आपके पीसी लैपी में बड़ा है, तो आप खुद ही मतलब पढ़ पढ़ के सीख सकते हो। बाकी इनके ऑनलाइन कोर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, और आपको मतलब जो क्रैश कोर्स रहते हैं वो 1-3 महीने तक रहेगा, वो अभी आपके पास टाइम है, अभी 21 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, तो इसी दौरान आप सीख सकते हो ये सॉफ्टवेयर्स। काफी ज्यादा मतलब ऑनलाइन जो पोर्टल है यहाँ आप सीख सकते हो, कोर्सेरा हो गया, इडेक्स हो गया, जो आपको ऑटोडेस्क वगैरह, सिविल डिजाइनिंग वगैरह, ई टैब, स्टैंड प्रो, ये चीजें आपको सिखा देंगे। और ये मैं कहूँगा अभी ये तो अच्छा टाइम है आपको टाइम को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि जैसे आपकी अभी क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और जैसे ये खत्म होता है कोरोना वायरस वगैरह, तो आप